हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू लर्न विथ मी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो पिछले कोडिंग डिकोडिंग पार्ट सीरीज़ में मैंने आप लोग को बताया था ए से लेकर जेड तक की नंबर वैल्यू, प्लेस वैल्यू याद करवाई थी। उसके बाद मैंने ये बताया था कि जेड के बाद सीरीज़ ख़त्म होने के बाद ए से वापस सीरीज़ शुरू हो जाती, इसकी 1 होती प्लेस वैल्यू, इसकी 26 होती, इसके बीच की सारी भी नंबर्स वैल्यू हमने याद कर ली थी। जेड के ख़त्म होने के बाद ए वापस से 27 से शुरू हो जाता है, और मैंने आप लोगों को जेड से ए तक की भी वैल्यू याद करा दी थी। जब हम ये तो था हमारा लेफ्ट हैंड साइड से याद करने की कोडिंग, और ये था राइट हैंड साइड से याद करने की कोडिंग। ठीक, प्लेस वैल्यू हमने याद कर ली थी। अब आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के। मैं आप लोग को बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग के लेटर प्लस नंबर वाली कोडिंग से एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का पूछा जाता है, और बाकी जो दूसरे हम कोडिंग करेंगे उससे 3 to 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स का पूछा जाएगा सिर्फ प्री में, 3 to 5 मार्क्स का पूछा जाता है प्री में, और जो हाई लेवल आएगी हमारी कोडिंग डिकोडिंग वो 5 मार्क्स की आएगी मेंस में। ठीक, मेंस की थोड़ी हाई रहती है, वो दूसरे टाइप की रहती है, हम उसे भी पढ़ेंगे। ये प्री की आएगी 1 मार्क्स की, और बाकी 3 to 5 मार्क्स की आएगी। अगला हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा टीचर, TEACHER टीचर। टीचर को कोड किया गया है TGJECGV से। कोडिंग डिकोडिंग पहचानने के लिए मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में उसकी प्लेस वैल्यू इसीलिए याद करवाई थी ताकि हम इससे कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व कर सकते हैं। तब टी की नंबर वैल्यू हम लिख लेते हैं 20, ई की लिख लेते हैं 5, ए की लिख लेते हैं 1, सी की लिख लेते हैं 3, जी एच घर, घर मतलब 8, ई की 5 इज ओटी से, क्यू आर कोड 17 और 18, आर कोड का 18। ठीक, ये मैंने लिख ली। अभी हमारा क्योंकि स्टार्टिंग से है तो हमें इस पर थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। हम इसका कोडिंग प्लेस वैल्यू लिख के बना रहे हैं, उसके बाद कुछ इजी ऐसी रहती है जो बिना प्लेस वैल्यू लिखे हम सॉल्व कर सकते हैं, वो आती है हमारी प्रैक्टिस से, और जो थोड़ी सी हार्ड रहेगी वो हमें ऐसे लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। टी की आ गई 20, जी की आ गई 7, घर जी एच 7 8, ठीक जे इज ओ टी से 10, ई की 5, सी की 3, घर 7, वी 22। ठीक, अब मुझे ऐसा ढूंढना, सबसे पहले मैं पहला लेटर को लूँगी 20 से आसपास नीचे में ऐसा क्या मिल रहा है मुझे। सबसे पहले ढूंढूंगी टी का अपोजिट जी कहीं पे है टी जी, बट ई का अपोजिट भी है, पर इन दोनों का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है क्योंकि ये सब तिरछे मिर्छे आ रहे हैं। आर ई का अगर मैं ये वी ले लूँ तो आर का जी नहीं होता, ई का वी ले लूँ, टी का जी ले लूँ तो ए का जेड नहीं मिलेगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो दूसरा पैटर्न मैं कैसे ढूंढूंगी 20, मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो 20 के आसपास आता हो। 20 के आसपास एक तो 20 आता है, 7 नहीं आता, 10 नहीं आता, 5 नहीं आता, 3 नहीं आता, 7 नहीं आता, 20 के आसपास आ रहा है 22, मतलब 20 से 20 तो मैंने बना लिया, पर 5 से 7 कैसे आया, 1 से 10 कैसे आया, 3 से 5 कैसे आया, 8 से 3 कैसे आ गया, ये नहीं समझ आ रहा। बट 20 से 22 कैसे आया प्लस 2, ये तो मिल गया हमें ऐसे। अब देखते हैं 18 से क्या 20 मिल रहा है, 18 से 20 हमें मिल रहा है, 5 से 7 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 मिल रहा है, 1 से 3 मिल रहा है, 1 से 3 मिल रहा है, और 8 से 10 मिल रहा है, 3 से 5 मिल रहा है, मतलब हमें ये कोडिंग मिल गई। हमारी कोडिंग चल रही है प्लस 2 पे, वो भी इस पैटर्न पे। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें, LATEOM इसको कोड करना है। तो मैं सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू ऊपर पे लिख लूँगी, एल की 12 लेमन, एल एम 12 13, ए की वैल्यू 1 होती है, टी इज़ ओ टी से टी की वैल्यू आती है 20, ई इज़ ओ टी से 5, ओ की 15। ठीक, अब 13 से 13 प्लस 2 चलेगा, 13 प्लस 2 15 मतलब ओ, 12 प्लस 2 14 मतलब एन, ए 1 प्लस 2 3 मतलब सी, 15 प्लस 2 17 मतलब क्यू आर कोड 17 18 मतलब क्यू, 5 प्लस 2 7 मतलब
जी 20 + 2 = 22 मतलब वी। इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ओ क्यू जे वी सी एन, ये हमने कोड कर लिया। तो इससे हमें एक मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। और हाँ, जैसे इसमें प्लस टू है वैसे प्लस वन हो सकता है किसी में, किसी में माइनस वन, किसी में माइनस टू, किसी में प्लस थ्री, किसी में माइनस थ्री, और ऐसे ऐसा जो पैटर्न चल रहा है वो हो सकता है सीधे सीधे हो जाए, वो हो सकता है दो दो की पेयर पे हो जाए, वो हो सकता है तीन तीन की पेयर पे हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बुकलेट। बुकलेट को कैसे सॉल्व किया गया है, बुकलेट बुकलेट को ए एन एन जे के डी एस। अब इसकी प्लेस वैल्यू हम लिख लेते हैं। बाकी एक चीज़ देखिए, मुझे क्वेश्चन देखिए समझ आ रहा है, बी ए मतलब सामने सामने कहीं कुछ होगा। चलिए देखते हैं, 2 15 15 11 12 5 20, 2 1 14 14, इसको तो सॉल्व करते ही मुझे कोड मिल गया, 2 - 1 15 - 1 15 - 1, जे का 10, के का 11, डी का 4, एस का 19, 11 - 1 10, 12 - 1 11, 5 - 1 4, 20 - 1 19, मतलब सीधे सीधे इसकी माइनस वन लिखा गया है, वैल्यू सीधे सीधे है -1 - 1 - 1 - 1 - 1। ठीक, तो इसका क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन क्यू यू ई एस टी आई ओ एन, हमें इसकी कोडिंग करनी है। और कोडिंग बुकलेट के अकॉर्डिंग होगी हमारी, क्योंकि क्वेश्चन में वही दिया था। तो इसकी हम माइनस वन करेंगे, मतलब माइनस वन करना है हमें। कैसे करेंगे, क्यू की क्या होती है क्यू आर कोड 17, यू यू की होती है हमारी 21, ई ई की हमारी होती है 5, एस की हमारी होती है 19, टी की हमारी होती है 20, ई की हमारी आई की हमारी होती है 9, ओ की 15, एन की 14, माइनस वन मतलब 16 16, और 21 मतलब 20, 5 मतलब 4, 19 मतलब 18, 20 मतलब 19, माइनस 1 करते जा रहे हैं हम, 9 में से 1 गया तो 8, 15 में से 1 गया तो 14, 14 में से 1 गया तो 13, q माइनस 1 17 माइनस 1 16, 16 किसकी होती है p की, u की 21, t इज़ ओ टी, t की 24, d की होती है क्यू आर कोड 17 18, आर 19 होती है एस की, 8 जी एच घर 7 8 करोड़, 14 लेमन 13 14 रुपए में आता है लेमन, सॉरी 12 13 रुपए में आता है, एल और एम की होती है 12 और 13, 13 आ गया हमारा, 14 आ गया हमारा एन का, 13 आ गया हमारा एम का। तो इसकी कोडिंग क्या मिल रही है हमें, माइनस वन करके पी टी डी आर एस एच एन एम, ये हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन में जहाँ पे आप लोगों को ऐसे चार ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें हमें एक टिक करना रहता है, तो जहाँ पे ये ऑप्शन रहेगा, मान लो ये तीसरे नंबर पे ऑप्शन है तो हम तीसरे नंबर पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पोंड पी ओ एन डी पोंड 16 15 14 4, ये हो रहा है हमारा। इसकी कोडिंग दी गई हमें आर एस टी एल, आर एस टी एल दिया गया है। अब इसकी कोडिंग लिख लेती हूँ मैं, 18 19 20 12। अब 16 के आसपास कौन सा नंबर है, 16 के आसपास 18 19 20 12 सब आता है, इसमें कर दूँ तो ये +2 आता है, इसमें कर दूँ तो +3, इसमें कर दूँ तो +4, इसमें कर दूँ तो -4, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। चलो इसको लेके देखते हैं, 15 + 3 + 5, 3 तो मिल रहा बट इसमें 5 नहीं मिला था, मतलब वो नहीं हो सकता, 3 हो सकता है मेरा, और 3 + 4 हो सकता है, 3 4 14 15 12 - 3 हो सकता है, बट कुछ समझ नहीं आ सकता, अभी भी हम कुछ नहीं बोल सकते। इसका भी वही 16 15 14 सेम 18 19 20 मिल रहा है, तो 4 से हम देखते हैं 4 के आसपास कौन सी वैल्यू है, 18 19 20 तो होगा नहीं, डी का अपोजिट डब्लू होता है, डब्लू की प्लेस वैल्यू 23 होती है, तो मतलब डब्लू तो है ही नहीं 23, मतलब अपोजिट का तो फंडा है ही नहीं, तो चल रहा क्या है इसमें। चलो लेके देखते हैं,
4 और 18 लेके देखूँ, अगर मैं क्रॉस पे लेके देखूँ 4 और 18 तो कितना ऐड हो रहा है इसमें, 14, तो 14 तो बाकी किसी में ऐड हो रहा नहीं है, तो ऐसे वाला तो पेयर होगा ही नहीं। अब हम करके देखते हैं डी, दो दो के पेयर लेके देखते हैं, चार वाले तो नहीं आ रहे हैं। डी से टी मतलब 4 से 20 अगर करूँ तो प्लस 16, 14 से 12 करूँ तो माइनस 2, मतलब इसका भी फंडा नहीं आ रहा है। तो ठीक है भाई, हम लेके देखते हैं सीधे सीधे, 4 से 12 कैसे आया प्लस 8, 14 से 20 कैसे आया प्लस 6, 15 से 19 मिल गई सीरीज हमें प्लस 4, 16 से 18 प्लस 2, मतलब क्या चल रहा है हमारा प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। ठीक, हमें ये समझ आ गया। तो इसी प्रकार से हम आगे सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन है हमारा फैन, फैन को हमें सॉल्व करना है। इसका लिख लो 6, इसका लिख लो 1, इसका लिख लो 14, यहाँ पे मैं करूँगी प्लस 2, यहाँ पे प्लस 4, यहाँ पे प्लस 6, 6 प्लस 2 8, 8 किसकी वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू होती है एच की, घर जी एच है ना, और 1 प्लस 4 5, 5 किसकी वैल्यू होती है ई की, इजोटी से, 14 प्लस 6 20, 20 किसका रहता है टी का, ये भी हमें मिल गया इजोटी से, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा एच ई टी, फैन का कोड वैल्यू रहेगा एच ई टी, ऑप्शन नंबर 5 दिए थे। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है ग्रेट, जी आर ई ए टी, ग्रेट, ग्रेट को कैसे कोड किया गया है 20 1 5 18 7। अब इससे कोड निकालना है, अब मुझे कुछ कुछ लग रहा है जी की कोड वैल्यू जैसे होती है 7, आर की होती है 18, ई की होती है 5, ए की होती है 1, टी की होती है 20। अब मुझे इसमें सारे लेटर्स मिल रहे हैं 7 7 20 20 18 18 1 1 5 5, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही सॉल्व हो गया सीधे सीधे। इस जगह की जो प्लेस वैल्यू थी वो आ गई लास्ट में, और जो लास्ट में प्लेस वैल्यू थी हमारी 20 वो आ गई फर्स्ट में, 1 जो था यहाँ पे हमारा वो आ गया सेकंड में, और 18 जो था वो आ गया यहाँ पे और बीच का बीच पे। ठीक, वैसे ही हमें हमारे पास क्वेश्चन दिया गया हमें मूवमेंट एम ओ एम ई एन टी, वैसे ही हमें सॉल्व करना है इसका भी। टी का है 20, टी का लिख लो 20, एम का है 13, एम का लिख लो 13, एन का लिख लो 14, ओ का लिख लो 15, ई का लिख लो 5, एम का लिख लो 13, 20 14 5 13 15 13, जहाँ पे कोड दिया रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को मैं जो समझा रही हूँ वो समझ आ रहा होगा, और कोडिंग डिकोडिंग अब हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, पर्सन, पी ई आर एस ओ एन, पर्सन, पर्सन को कोड किया गया है 7 5 9 1 6 5 से। ठीक, इसकी कोड वैल्यू होती है 16, इसकी होती है 5, इसकी होती है 18, इसकी होती है 19, इसकी होती है 15, इसकी होती है 14। अब 16 कैसे आ रहा है, 16 पी का अपोजिट होता है के, के का होता है 11, 11 कहीं पे दिख रहा है नहीं, 5 22 वी अपोजिट रहता है 22 होती है वहाँ, वो कहीं पे दिख रहा है नहीं, मतलब अपोजिट वाला फंडा नहीं चलेगा। तो चलिए देखते हैं 16 के आसपास कोई सी वैल्यू है, कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि ये सब डबल डिजिट में और ये सिंगल डिजिट में है। मैं देख सकती हूँ कि 5 यहाँ पे सिंगल है, 5 यहाँ पे आ रहा है और 5 यहाँ पे आ रहा है, मतलब या तो ये रहेगा इसका कोड या तो ये रहेगा। तो चलिए देखते हैं 16 का क्या हो सकता है फिर, 7 9 1 6, 16 6 + 1 कर दूँ अगर मैं तो ये क्या आ जाता है 7, मतलब दोनों डिजिट को ऐड कर दिया गया, 5 का 5 आ गया, 1 + 8 9 आ गया, 9 + 1 10 एंड 1 + 0 1। ठीक, 1 + 5 6 6, 1 + 4 5, मतलब इसमें क्या चल रहा है हमारा, जो दो डिजिट हैं उनको ऐड करके एक सिंगल डिजिट बना दिया जा रहा है, 10 आ रहा है तो 1 हो जाएगा है ना,
वन प्लस सिक्स सेवन हो जा रहा है। इसी तरीके से उसे दो डिजिट को सिंगल डिजिट में लेके सॉल्व किया गया है और सिंपल उनकी प्लेस वैल्यू को ही ऐड करके सिंगल डिजिट बना दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन है इसका नेवर, नेवर को हमें कोड करना है पर्सन के अकॉर्डिंग। नेवर 14, 5, 22, 5, 18। आप लोग देख सकते होंगे कि मैंने जो पार्ट वन पार्ट टू बनाया है उसको पढ़ना कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसको पढ़े हमें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 14, 5, 22, 5 और 18 दिया हुआ है। तो 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5। 5 की हो गई ई, पर हमें ई नहीं लिखना है, हमें सिंपल लिखना है 5। 5 का हो गया 5, सिंगल डिजिट बनाना है। 2 प्लस 2 हो गया 4, 5 का 5 हो गया। 1 प्लस 8 9, इसका मतलब इसकी कोड वैल्यू क्या हो गई नेवर की, 5 5 4 5 9। जहाँ पे ये कोड दिया रहेगा वहीं हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और बहुत सारी ट्रिक्स हमें मिल चुकी है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगी और उम्मीद करूँगी कि इससे आप लोगों को बहुत कुछ समझ आएगा, कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है टाइम्स। टाइम्स की कोडिंग कैसे की गई है, 7 9 5 4 8, 7 9 5 4 8 इसकी कोडिंग दी गई है। इसकी होती है 20, इसकी होती है 9, इसकी होती है 13, इसकी होती है 5, इसकी होती है 19। अब 20 20 से 18 8 नहीं हो सकता, 12 माइनस हुआ है, और इसमें कितना माइनस हुआ है, इसमें भी 12 माइनस हुआ है, हो सकता है भाई इसमें भी 12 माइनस हुआ है। तो 19 में से 12 गया तो 7 आ गया, और 20 में से 12 गया तो 8 आ गया। 5 में से प्लस 4 करेंगे तो 9 आ जाएगा, बट इसमें माइनस करना पड़ेगा तो ये नहीं हो सकता। अब हम क्या देखेंगे, 2 प्लस 0 करके देखो, 2 नहीं आ रहा है कहीं पे भी। 1 प्लस 3 4 आ रहा है, बट 2 प्लस 0 2 नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, 20 प्लस 1 माइनस 1 करके कुछ मिलेगा क्या, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 कुछ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 20 के बाद यहाँ पे 19 वगैरह होना था, बल ये सब सिंगल सिंगल डिजिट है, 5 लेटर्स उनकी 5 डिजिट मिली है। तो अब और क्या हो सकता है, चलो अपोजिट करके देखते हैं। टी का होता है जी, बट यहाँ पे तो नंबर है और हमें लेटर है टी का अपोजिट जी, पर जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 7, घर जी एच 7 8, ठीक। तो हमें क्या पता चल रहा है कि टी की जब 20 है कि तो जी की कितनी आ रही है, 7, मतलब टी अपोजिट है जी का गेट से। तो आई का अपोजिट कितना जा रहा है, आर, आर का तो पर 18 होता है, यहाँ पे तो 9 दिया हुआ है, मतलब 1 प्लस 8 9। अपोजिट करके उनका नंबर लिखा गया है, वो भी सिंगल डिजिट में। 13 एम, एम का अपोजिट होता है एन, एन का होता है 1 1 प्लस 4, 14 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ई का अपोजिट होता है वी, जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 22, मतलब 2 प्लस 2 4। एस का अपोजिट होता है एच, जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 8, मतलब इसमें क्या किया है, इसका अपोजिट लेटर लिया है, अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू ली है, वो भी सिंगल डिजिट में, सिंगल डिजिट में लिया गया है इसे, जो डबल डिजिट होगी उसे हम ऐड कर देंगे, ठीक। तो इसका कोड हमें किसका निकालना है, इस पर कोड निकालना है हमें डाउन का कोड निकालना है हमें। तो डाउन का कोड कैसे निकालेंगे हम, डी का अपोजिट क्या हो जाता है हमारा, डब्लू का 23, मतलब 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ओ का अपोजिट हो जाता है हमारा वी, लव, ओ का सॉरी एल, ई का वी होता है एल ओ वी ई, एल का ओ रहता है हमारा, है ना। तो ओ एल की होती है प्लेस वैल्यू 12, लेमन 12 13, तो 12, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। डब्लू का होता है हमारा डी डाउन से, तो डी का होता है 4। एन का होता है हमारा एम मन से, तो एम, एम का होता है 13। 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ये समझ आ गया। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है प्राउड, PROUD, प्राउड। प्राउड को कोड किया गया है WFLIK से, तो चलिए इसका भी लिखते हैं, 16 18 15
21, 4, 23, 6, 12, 9, 11। अब इसका कुछ मिल रहा है क्या? देखो 4 से 6 मिल रहा है प्लस 2, बट बीच से मिल रहा है इसका कुछ हम बोल नहीं सकते। 16 से कुछ मिल रहा है क्या? 23 नहीं, 11 माइनस 5, बट और किसी में माइनस 5 नहीं है तो नहीं मिल पा रहा है। बट एक चीज़ मैं देख रही हूँ, W दिया है यहाँ पे, D दिया है, मतलब D का अपोजिट है W, P का अपोजिट है K, U का F, R का I, L का O, पी के मूवी से अपोजिट हमने याद किया था, DW डाउन से हमने याद किया था, IR इंडियन रेलवे से याद किया था, FU फूल से याद किया था, फिर वो इंग्लिश का हो या हिंदी का फूल हो, ओ से एल्ला से हमने याद किया था। मतलब इसमें क्या किया गया है, अपोजिट लेटर ऐसे ऐसे लिखे गए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में है हमारा एवरी, एवरी को हमें सॉल्व करना है। एवरी, एवरी का अपोजिट लिखना है हमें, तो वाई का लिखेंगे हम बी, बॉय, E का V, इवनिंग या लव, R का I, इंजन रेलवे, V का E, इवनिंग या लव, E का V, मतलब आंसर क्या है हमारा, बी आई वी ई वी, जहाँ पे एक कोड दिया रहेगा वो हमारा आंसर होगा। अगला हम चलते हैं हमारे 8वें नंबर के क्वेश्चन पे, जिसमें कोड दिया रहा है पेंडल, पेंडल का कोड दिया हुआ है 55731 4। इसमें क्या किया गया है, इसकी पहले हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 16 5 14 4 1 12, ये लिख लिया हमने। अब क्या किया गया है, ये फिर ये सिंगल सिंगल डिजिट लिखा गया है 55731 4, मतलब इसमें देखते हम ऐड करके कि प्लस हो रहा है क्या या माइनस हो रहा है, या प्लस 2 माइनस 2, ऐसा तो हो ही नहीं सकता प्लस 1, क्योंकि 5 का 5 है, 14 का 7 है, 4 का 3, तो ये हमें कुछ मिल रहा नहीं है लॉजिक। तो हम चलते हैं इसमें ऐड करके देखते हैं या अपोजिट देखते हैं। पी का होता है अपोजिट के, के का होता है 11, 11 कहीं पे है नहीं, 1 प्लस 1 2 होता है, 2 भी कहीं पे नहीं है, मतलब नहीं होगा। तो अब हम ऐड करके देखते हैं डिजिट्स को, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 1 5, 5 का 5, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा 5 कहाँ पे है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट पे, 12 2 प्लस 1 3, 4 का 4 1 का 1, 4 प्लस 1 5 6 प्लस 1 7, 5 का 5, मतलब 3-3 की पेयर में इस पैटर्न के अकॉर्डिंग बांट रखा है, और वो भी उसके नंबर्स को ऐड करके। 16 था तो ये 7 हो गया था, ये 5 है तो ये 5 ही रहा, ये 14 था तो 4 प्लस 1 5 हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉमन, COMMON कॉमन, कॉमन 13 13 15 3 13 15 14, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 5 6, 3 का 3, 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 1 4, 4 6 3 5 6 4, इसकी कोड वैल्यू होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 9th नंबर का क्वेश्चन है। इसका वर्ड दिया हुआ है हमें स्टीमर, STEAMER, स्टीमर, स्टीमर को कोड किया गया है URGYOCT। ठीक, इसमें क्या किया गया है हमारा, एस की कोड वैल्यू है प्लेस वैल्यू 90, इसकी 20, इसकी 5, इसकी 1, इसकी 13, इसकी 5, इसकी 18, QR कोड 18। ठीक, तो अब इसका कैसे किया गया है, यू का होता है हमारा 21, टी का जी अपोजिट मिल रहा है, टी का जी, बट ई का वी नहीं मिल रहा है, मतलब अपोजिट तो है ही नहीं कहीं पे। तो चलिए और हम कोड वैल्यू लिख के देखते हैं, 21 18 7 25 15 3 और 20, एस की दी हुई है 90 90, ये आसपास कौन कौन सा आता है हमारा, 20 18 और 21। ठीक भाई, 90 का प्लस 1 कर सकती हूँ मैं 20, बट 18 का प्लस 1 नहीं हो सकता 21, तो ये तो नहीं आएगा इसका। तो बचा क्या, 21 और 18, 19 से माइनस 1 18, 20 से प्लस 1 21 हो सकता है, 5 से
-125 तो हो नहीं सकता, मतलब ये पैटर्न भी नहीं चलेगा। तो और क्या चल सकता है हमारा, ऐसे वाला भी नहीं चला। अब हम क्या करेंगे, सामने सामने लेके देखते हैं, 19 + 2 = 21, 20 - 2 मिल गया पैटर्न, +2 - 2 टी का 20, आर का 18, 20 - 2 = 18। अब देखते हैं यही पैटर्न चल रहा है कि नहीं, 5 + 2 = 7, ए की आ गई 1, वाई की आ गई 25। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि सीरीज जब ए से लेकर जेड तक की चलती है उसके बाद वापस से ए से स्टार्टिंग हो जाती है, तो जब इसकी मैं 1 - 26 मतलब इसकी लूँगी मैं 27, अगर ए की वैल्यू आ गई मेरी 27 तो वाई -2 आएगा यहाँ पे, +2 - 2 + 2 - 2 मतलब 27 में से जब -2 करेंगे हम तो 25 आ जाएगा। मतलब ये बिल्कुल सही सीरीज चल रही है, हमने बिल्कुल कोड सही पकड़ा है। 13 + 2 = 15, 5 - 2 = 3, 18 + 2 = 20 मतलब सीधे सीधे +2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 ठीक, यह सब पैटर्न हमारा चल रहा है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है विकेट, WICKETS विकेट्स, विकेट्स का हम कैसे करेंगे, 23 9 3 11 5 20 विकेट, WICKETS 23 9 3 11 5 20 19, इसका हो जाएगा +2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 + 2 करूँगी तो 25 किसका रहता है हमारा, वाई का, -2 मतलब 7, 9 - 2 मतलब 7 7, घर जी एच है ना 7 8 मतलब जी का 7, 3 + 2 5 5 मतलब ई इज़ ओटी से, 11 - 2 9 9 मतलब आई, T+2 YGEI हो गया, और क्या बचा, E+2 7 5 + 2 7 हो जाएगा, तो 7 किसका होता है, घर जी एच 7 8, T-2 मतलब 20 - 2 = 18 18 है हमारा R की वैल्यू, QR कोड 17 18 हमने याद किया था, S का 19 19 + 2 21 मतलब U, इसका कोड क्या आया हमारा YGEIGRU, जहाँ पे ये दिया रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है इवनिंग, EVENINGS इवनिंग्स, इवनिंग्स को कोड किया गया है WFMDMHTH ठीक, ये जी है ये एच है। अब 5 22 5 14 9 14 7 19 23 22 का 23 मिल रहा है भाई, F का 6 5 का 6 अच्छा मतलब +1 +1 22 का 23 5 का 6। अब आगे देखते हैं कि क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, 5 का -1 हो गया भाई यहाँ तो मतलब 4, और 14 - 1 मतलब +1 +1 -1 -1 13। अब देखते हैं 14 - 1 चल रहा है यहाँ पे भी, 9 8 मतलब -1 ही चला, फिर +1 T का 20 S का 19 मतलब +1 G का 7 H का 8 मतलब +1 मतलब क्या मिल रहा हमें, +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 लास्ट के जो लेटर्स हैं उनको +1 किया गया है और बाकी बीच वाले को मैंने, हमें कोड करना है मॉर्निंग का, तो मॉर्निंग का आप करके देखिएगा, मैंने इसका कोड बता दिया है, होप सो कि आप लोग कर लेंगे इसे। और हमने आज पूरे 10 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के सॉल्व किए हैं और मुझे ये उम्मीद है कि ये आप लोगों को बिल्कुल समझ आया होगा और अब आपसे कोडिंग डिकोडिंग डेफिनेटली बन जाएगा और एग्ज़ाम में आप 1 मार्क्स गेन कर पाएंगे। ये हमेशा प्री में पूछा जाएगा, मेंस में कभी इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, मेंस में पूछा जाएगा 5 मार्क्स का जो कि हाई लेवल का होगा, वो भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए आज हमने पूरे 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और चलिए अब हम वीडियो को एंड अप करते हैं और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी चाइनीज कोडिंग और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग,
वो हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड अप करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।